बोल की लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। ये पंक्तियां हैं मशहूर शायर फैज अहमद फैज की, जहां वो बात कर रहे हैं बोलने की। लेकिन आज इस खबर को सुनने के बाद आप बोलने से ज्यादा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। खबर आंध्र प्रदेश की है, जहाँ के नंदियाला जिले में 8 साल की एक स्कूली छात्रा के साथ 3 वरिष्ठ नागरिकों ने कथितौर पर सामूहिक बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। और यहाँ वरिष्ठ नागरिक कोई और नहीं बल्कि 12 और 13 साल के बच्चे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 12 13 साल के बच्चे। पुलिस ने कहा कि हिरासत में लिए गए 3 नाबालिग आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि उन्होंने लड़की के शव को सिंचाई नहर में फेंक दिया। यह घटना आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से 300 किलोमीटर दूर मुचुमरी में दर्ज की गई। बच्चे का शव अभी तक बरामद नहीं हो सका है। तीसरी कक्षा की यह छात्रा रविवार से लापता थी और उसके पिता ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि लड़की मुचुमरी पार्क में खेल रही, लेकिन बाद में घर नहीं लौटी। पुलिस ने तलाश शुरू की और स्थानीय निवासियों से पूछताछ की, लेकिन वो नहीं मिले। फिर एक खोजी कुत्ते ने पुलिस को 3 नाबालिग लड़कों तक पहुंचाया। उनमें से 2 कक्षा 6 के छात्र हैं, जिनकी उम्र 12 साल है, और एक कक्षा 7 में है और उसकी उम्र 13 साल है। तीनों उसी स्कूल के छात्र हैं जहां लड़की पढ़ती थी। पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान लड़कों ने लड़की के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने की बात को स्वीकार की है। आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि उन्होंने लड़की को पार्क में खेलते हुए देखा था और वो भी उसमें शामिल हो गए। फिर वो उसे मुचुमरी बांध के पास एक सुनसान इलाके में ले गए और बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। लड़कों ने पुलिस को बताया कि इस बात से चिंतित होकर कि अगर लड़की ने अपने माता पिता को इस बारे में बताया तो वो मुसीबत में पड़ सकते हैं, उन्होंने उसकी हत्या कर दी और उसके शव को पास की नहर में फेंक दिया। अब इसके बारे में मैं आपसे क्या ही कहूँ, ये कैसी जिंदगी जी रहे, कैसी हवा चल रही है, जो बूढ़े बच्चे या जवान किसी में कोई फर्क नहीं समझते। इस हवा में इतना जहर कैसे घुल गया, आखिर कहां से विकसित होती है ये मानसिकता। अरे जिस उम्र में स्कूल का काम नहीं करने पर रात भर नींद नहीं आती थी, उस उम्र में इतना घिनौना अपराध करने पर एक बार भी हाथ नहीं कांपा, आखिर कहां से मिलती है इतनी हिम्मत। सुनकर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि 12-13 साल के कुछ बच्चे कहूं या लड़के, समझ नहीं आ रहा। उन्होंने एक 8 साल की बच्ची का बलात्कार ही नहीं किया बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। इस उम्र में बच्चों को ऐसी मानसिकता और कृत्य हमारे देश के भविष्य को किस ओर ले जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। इस गंभीर विषय पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। नमस्कार।